पौधा लगाया था। पौधे जब वृक्ष बनते हैं तो उनको देखकर अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे ही आनंद की अनुभूति आज मुझे ईपीएफओ के कार्यालय के उद्घाटन करते समय हो रही है। मैं इस अवसर पर अपने सभी इस अंचल के मजदूर भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भूपेंद्र यादव जी के मार्गदर्शन में श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ दोनों बहुत तेज़ी के साथ अपने आप में गुणात्मक परिवर्तन कर रहे हैं और आम मजदूर को सेवा और उसका हक मिल सके इसका प्रयत्न कर रहे हैं। आपने आज देखा होगा कि एक ज़माना था जब 11 करोड़ 74 लाख खाते हुआ करते थे ईपीएफओ के, आज 30 करोड़ अकाउंट हैं। 4 करोड़ मजदूर हुआ करते थे, आज 8 करोड़ मजदूरों के रजिस्ट्रेशन हैं। कई लोग कहते हैं कि रोज़गार कहाँ है, ईपीएफओ का ये अकाउंट इस बात का प्रमाण है कि रोज़गार कितनी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और अपनी कार्य पद्धति में मजदूरों का हक मजदूरों को मिले और उनका वेलफेयर हो सके, इस मामले में ईपीएफओ का बहुत बड़ा योगदान है। यह हमारे देश का छठवां सबसे बड़ा वेलफेयर का ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ कर्मचारियों ने इस पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था की, उसके लिए मैं हृदय से उनको धन्यवाद देता हूँ और सभी मजदूर भाइयों और बहनों को बहुत बहुत बधाई। आज आपने मृतकों को, मृतकों के परिजनों को जो है इतला भी बांटे हैं, सहायता राशि बांटी है। स्वाभाविक रूप से ईपीएफओ का ये भी काम है कि कुल मिला के मजदूरों के भविष्य की सुरक्षा करना, उनके सम्मान की रक्षा करना और जब मुसीबत का समय हो तो उनके साथ सहकार करना। अभी धनेला में एक एक्सीडेंट हो गया था, उसमें मजदूरों की मृत्यु हो गई थी, उनके परिजनों को आज हितलाभ मिला है, ये इस बात का परिचायक है। 10 तारीख को ग्वालियर के नए एयरपोर्ट के उद्घाटन के प्रधानमंत्री ने बच्चों घूमने की अनुमति दे दी, किस तरह का ये भव्य नहीं, हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का बात है। ईपीएफओ के कार्यालय के बाद अब नया एयरपोर्ट भी ग्वालियर को मिलेगा।